घरवाली बैठी दरवाजे पे, अब आएंगे। एकदम लाल हो गई, लाल टेंसी घरवाली। जैसे ही तुकाराम जी गन्ना का गट्ठा लेकर चले तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा बाबा हमको भी दो, हमको। हाँ है, तुम भी लो, बोलो श्री हरि, लो तुम भी लो, बोलो श्री हरि। अंत में एक गन्ना बचा, सिर्फ एक, और वो भी घर पर लेकर आ गया। और देवी जी तो पहले ही इनकी भरी बैठी थी एकदम लाल। अबे लो यार, का करत रहे, गन्ना का है? इन्होंने कहा कुछ भक्त मेरे बैठे, तुम्हें तो दिन भर सीताराम सीताराम लिखा, श्री गन्ना का है? इन्होंने पीछे से एक गन्ना जो एक बाकी पांच। उनको इतना दिमाग खराब हो, घर भाई को गन्ना लो, सो चार फटका, चार फटकारे, सो गन्ना में होती है गांठ, सो एक गन्ना के हो गए दो। जैसे ही दो भैंस दोनों गन्ना उठाए, बोले तू बड़ी समझदार है। तुकाराम बोले, और गांव के देख रहे कि कितना विचित्र है, बोले तू बड़ी समझदार है, धन्य है। लुगाई बोली, क्यों? बोले पहले गन्ना था एक, हम लोग थे दो, एक था लड़ाई हो जाती, पर बड़ी समझदार है तूने, एक के दो कर दी, एक तू ले। एक तू पा, एक मैं पाता हूँ, बोलो सीताराम सीताराम। जिंदगी जीने का नाम है, जीना है तो ऐसे भी जी सकते हैं, आप इस प्रकार से भी जिंदगी जी सकते हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आप सकारात्मकता खोज सकते हो। कितना भी संकट का समय आ जाए, बुरा समय आ जाए, गुरु और परमात्मा की एक ऐसी शरण है जहां बड़े से बड़े संकट में आप मुस्कुरा सकते हो, आप हंस सकते हो। कौन ऐसा नहीं है यहां जितने बैठे, उनकी जिंदगी में कौन ऐसा नहीं है।